इसी बात की करते हैं कि नए काफी सारे सदस्य चुन करके आए, 44 की संख्या है, मान के चलो कि 50% है, और नया जो सदस्य चुन करके आए उसको ज़्यादा समय मिले, वो अपनी बात ज़्यादा अच्छे ढंग से रख सके। मैंने स्पीकर को जब बधाई दी तो उनके सामने विशेष रूप से इस बात को रखा कि आप हर हाल के अंदर हर बार सदन का समय भी बढ़ाएं और नए सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका दें, और आप सरकार का पक्ष ना बन करके सबको समान रूप से देखें, और जहाँ कहीं सरकार की कोई बेकायदियाँ हैं उनको अगर विपक्ष विधानसभा में नहीं उठा पाएगा तो फिर मान के चलो सरकार अपनी मनमानी ज़्यादा करेगी। विपक्ष आईना है सत्ता पक्ष का, इसलिए विपक्ष को ज़्यादा समय आप दें। हमने उनसे आज यही अनुरोध किया, हम उम्मीद करेंगे कि वो 100% विपक्ष को ज़्यादा समय दे करके हरियाणा के हितों की बात को विधानसभा में उठाने का मौका देंगे। पिछली बार बहुमत की सरकार थी, इस बार गठबंधन की सरकार, क्या करनी है आपकी बार? थोड़ा माइक नीचे। मैं तो चाहता हूँ कि सरकार ये चले, और दोनों के जो एजेंडे हैं वो प्रदेश में लागू हों। अगर ये अपने मैनिफेस्टो को लागू करेंगे दोनों तो हम इनको बधाई देंगे, और अगर इन्होंने कहीं लोगों के साथ धोखा किया तो फिर जहाँ विधानसभा के अंदर इनका विरोध करेंगे वहीं सड़कों के ऊपर भी लोगों को लेकर के खड़ा हो जाएंगे, और 100% ऐसे लोग जो लोगों से बेईमानी करेंगे उनको सबक। पिछली बार आप विपक्ष में थे, इस बार कांग्रेस विपक्ष में नजर आएगी, क्या क्या कहेंगे कि उनको ज़्यादा मौका मिलेगा और आपको शायद कम? ये लोगों ने फैसला करना होता है कि किसको सत्ता पक्ष में बिठाना है, किसको विपक्ष में बिठाना है, लेकिन मैंने जो अपनी भूमिका पिछले विधानसभा के मेंबर के रूप में निभाई मैं फिर आपसे जनता को बताना चाहूँगा कि मैं उस भूमिका को उससे भी अच्छे ढंग से निभाने का काम करूँगा।